पराली से दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। हर दिन लोग सांस के संकट से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, पराली काटने और उसको निपटाने के लिए केंद्र के सहयोग से मशीन खरीदी गई जो अब बंद पड़ी है। पंजाब में पराली जलाने की घटना लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, 35% ज्यादा घटनाएं पराली जलाने की बढ़ी हैं। और लेकिन अभी तक अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कहता प्रशासन। टाइम्स ऑन हमारे संवाददाता कुंदन की एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली के ठीक एक सप्ताह बाद दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर जा चुका है। हालांकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तमाम सरकारों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। पंजाब में लगातार पराली के मामले बढ़ते सामने आ रहे हैं। अगर आप बीते साल की तुलना में बात करें तो इस बार करीब 33% ज्यादा, करीब 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी 33% ज्यादा। लेकिन पराली को रोकने के लिए एनवायरमेंट मंत्रालय के तरफ से जो अगर 18, 19 और 20, 21 के बीच में जो करीब 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड एलोकेट हुआ था, उसमें करीब 45% हिस्सा अकेले पंजाब को गया है, 1100 करोड़ रुपए के करीब में। और करीब 1,20,000 मशीनें पराली को काटने के लिए और पराली के निस्तारण के लिए, मोल्डिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो लगातार मशीनें खाली पड़ी है। और नतीजा मशीनें का कोई उपयोग न होना और पराली किसान जला के और जलाने की वजह से लगातार जो 33% से 35% बढ़ोतरी हुई, उसका नतीजा दिल्ली के मौसम का हाल। अगर आप आज की बात करें, करीब दिल्ली के एक सप्ताह दीपावली बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब 300 से ऊपर है। PM2 से लेकर PM2.5 दोनों अपने खतरनाक स्तर पे है। आखिर क्या वजह है कि तमाम सरकारों के मदद के बावजूद भी, राज्य सरकारों के द्वारा जो मशीनें दी गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद किया गया है, जो फाइनेंशियल एड दिया गया था, उसका भरपूर उपयोग या समुचित प्रयोग क्यों नहीं किया गया। नतीजा यह है कि अगर टोटल करीब 2400 करोड़ रुपया जो लोकेशन किया गया था, उसमें 1100 करोड़ रुपया पंजाब के हिस्से में गया, इसके बाद 700 करोड़ रुपये करीब हरियाणा के हिस्से में गया और 500 करोड़ रुपये के करीब में जो एलोकेशन हुआ था वो यूपी के लिए हुआ था। लेकिन जो मशीनें खरीदी गई थी वो मशीन आज भी वैसे बेकार पड़ी हुई, और लगातार कई बायो कंपोस्ट की मशीनें और प्लांट भी स्टार्ट किए गए थे, लेकिन वो खुद अपने पूरे कैपेसिटी से न चलने की वजह से पराली आज भी जलाई जा रही है। और नतीजा देखे कि इसका असर दिल्ली NCR के लोगों को एक बार फिर कई सालों के तुलना में इस बार भी जानलेवा साबित हो रहा। दिलपौस्तिक साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। पराली जलाने से सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली NCR को होता है। हर बार बड़े दावे किए जाते हैं कि पराली नहीं जलाई जाएगी, लेकिन जब पंजाब में पराली निपटाने की मशीनों पर पंजाब के कृषि मंत्री से टाइम्स ऑन भारत ने सवाल पूछा तो उनका कहना है कि किसानों को सब कुछ तो मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनका क्या कहना है सुनिए। सर, केंद्र सरकार ने जिहड़े रोटावेटर जिहड़ी मशीन भेजी सी हैप्पी सीडर, उस नूं लै के कितना कितने सवाल खड़े हुए ने। कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने जिहड़ियां किसानां नूं देणियां सी ओह हाले तक पहुंच नहीं पाई है। सरकार वेखो भाई, हर चीज पंजाब दे किसानां को गलत वोट कर देता है। सर, केंद्र सरकार ने जिहड़े रोटावेटर जिहड़ी मशीन भेजी सी हैप्पी सीडर, उस नूं लै के कितना कितने सवाल खड़े हुए ने। कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने जिहड़ियां किसानां नूं देणियां सी ओह हाले तक पहुंच नहीं पाई है। सरकार वेखो भाई, हर चीज पंजाब के किसानों को गलत वोट कर। तो कृषि मंत्री के अनुसार पराली शायद कोई मुद्दा नहीं है, शायद उनके अनुसार पराली से कोई समस्या नहीं होती, और जो भी किसानों को मदद होनी चाहिए वो कह रहे हैं सारी सुविधाएं उनके पास में। बहरहाल